हेलो एवरीवन, दिस इज अर्गमा वाजपेयी। स्वागत करती हूँ आपका टेली खजाना में। तो वोटिंग ट्रेंड में काफी बड़ा बदलाव आया है। दो लोगों के बीच में काफी भयंकर टक्कर चली और वो दो लोग कौन है ये सुन के आप शॉक हो जाएंगे। तो नंबर 5 पे जो नाम है वो है शालीन बनोट का। वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका जो भी फैन है वो उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। नंबर 5 पे ही है वो। नंबर 4th पोजीशन पे अर्चना है। हालांकि काफी अच्छा एंटरटेनमेंट किया है लेकिन फिर भी नंबर 4th पोजीशन पे ही अर्चना है। और ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो जब से वोटिंग लाइन चालू हुई है तब से ऐसी ही हैं। ना अर्चना नीचे गई है ना शालीन ऊपर आए हैं। दोनों लोग ने अपना चौथा और पांचवा पोजीशन बना के रखा हुआ है। इसके अलावा शिव ठाकरे आ गए हैं तीसरे नंबर पे। जी हाँ, शिव ठाकरे के जो फैन हैं और एमसी स्टैन के जो फैन हैं उनमें बहुत ही तेजी का मुकाबला हो रहा है। दोनों लोग कभी ऐसा बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी शिव सेकंड नंबर पे आते हैं कभी एमसी स्टैन। लेकिन जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग एमसी स्टैन सेकंड नंबर पे है और शिव ठाकरे थर्ड नंबर पे हैं। और सबसे पहले नंबर पे अभी तक प्रियंका चहर चौधरी ही हैं। अभी बहुत लोग ये बातें भी बना रहे हैं कि कलर्स का फेस जीतेगा या जनता के वोटों के आधार पे कंटेस्टेंट जीतेंगे। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर कलर्स ने अपनी बुद्धि लगाई तो प्रियंका को जिताएंगे, लेकिन अगर जनता के वोटों के हिसाब से हुआ तो शिव ठाकरे या फिर एमसी स्टैन में कोई जीतेगा। पर जो वोटिंग ट्रेंड बोल रहा है, जिस हिसाब से वोट आ रहे हैं, सभी फैन अपने अपने बेस्ट कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए जुटा हुआ है। इवन 2-3 बार वोट पे जो वोट करने का स्क्रीन है वो बहुत बार क्रैश भी हो चुका है। इवन मैं वोट करने गई थी तो वो 404 एरर दिखा रहा था उस पे। पर जो अभी चल रहा है वो यही है कि नंबर 1 पे प्रियंका है, नंबर 2 पे एमसी स्टैन है, नंबर 3 पे शिव ठाकरे, नंबर 4 पे अर्चना और नंबर 5 पे शालीन भनोट। और प्रियंका तो एक बार भी नीचे नहीं आई है, लेकिन एमसी स्टैन और शिव के बीच में काफी भयंकर टक्कर चल रही है। साथ ही में आज जर्नी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें प्रियंका की कह रहे हैं कि सबसे लंबी वीडियो होगी। 17 मिनट की वीडियो प्रियंका चहर चौधरी की है। बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। बहुत तारीफ करी है बिग बॉस ने शिव ठाकरे को, हिस्ट्री बनाने की बात कही है, अर्चना को बिग बॉस का बेस्ट एंटरटेनर बताया है, जो कि नो डाउट वो 100% बेस्ट एंटरटेनर है। एमसी स्टैन की रियल पर्सनालिटी पे बात बोली है, क्योंकि कल प्रेस में आए हुए कुछ लोगों ने भी यही कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई रियल है इस घर में, जो बिना पॉलिटिक्स करे, बिना ही पॉलिटिकल मुद्दा उठाए सीधे सीधे चलता है, वो एमसी स्टैन ही है। और उन्होंने प्रेस से बात करते वक्त भी वैसी बातें रखी हैं और एमसी स्टैन सेकेंड नंबर पर भी है। तो हो सकता है जो टॉप 2 हो वो प्रियंका और एमसी स्टैन हो और शिव ठाकरे थर्ड पोजिशन पर ही रहें। तो अगर आप शिव ठाकरे को ऊपर लाना चाहते हैं, प्रियंका को नीचे लाना चाहते हैं, तो वोट करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।